आयशा में हुई कहा सुनी, आखिर किस बात से खफा है आयशा। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टैली, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी। बता दें, इन दिनों फालतू में काफी ड्रामा दिखाया जा रहा है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि फालतू किचन में बाबा के लिए सूप बना रही होती है, तभी वहां पर अचानक आयशा आ जाती है। फालतू उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर आयशा भड़क जाती है और फालतू से झगड़ा करने लगती है। तो सीन में ये हो रहा है कि फालतू बाबा के लिए सूप बना रही थी, उतनी देर में आयशा वहाँ आ जाती है और आयशा को इस बारे में पता नहीं है कि बाबा की तबीयत खराब है। तो जब उसे पता चलता है ऑब्वियसली बहुत हाइपर हो जाती है और फिर मुझे कितना कुछ सुनाती है, बताओ। बहुत कुछ सुना है और बहुत डांटा भी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया बेचारी पर। तो आयशा बुरी नहीं है, वो बस अभी थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है जब से उसके हाथों में बच्चा आया है। हाँ, ऑब्वियसली मदर है, पोजेसिव हो रही है वो अपने बच्चों के लिए, बट आई डोंट थिंक नेगेटिवली। वो है फालतू के साइड ही है, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाएगा। तो बस आपको एक नोकझोंक वाला सीन देखने मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ लड़ाई नहीं हुई है, बस आयशा ने अपनी दिल की बातें बोली है फालतू को, जो फालतू भी समझ रही है कि वो अभी सिचुएशनल गुस्सा है उसका। आगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलने वाले हैं देखने। तुम भी अपने पति को छोड़कर जा रही है, ऐसा कुछ है ना? तुम कपड़े क्यों फेंक रही हो? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। सॉरी, मैं आगे के सीन्स को रिवील कर रही हूँ, सॉरी। बट आगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने मिलने वाला है, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। थैंक यू सो मच, आप शो को इतना प्यार देते हो, आप बस ऐसे ही प्यार देते रहो और हम लोग मेहनत करते रहेंगे ना? आयशा जी, कुछ चाहिए था तारे को? मैं कर लूँ क्या वापस? तुम्हें देख तक नहीं रही है, तुम्हें गाल नहीं कर रही है, देखा पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। जाओ मर्जी। फालतू बेटा, फालतू बेटा, बड़े साहब का सूप रेडी हो गया, उनकी दवाई का वक्त भी हो गया। हाँ जी अमर जी, हो गया है, लेकर जाओ एक सेकंड। अमर जी, बाबा को क्या हुआ, वो सूप क्यों पी रहे हैं? तभी तो ठीक है ना उनकी। बाबा आज बाथरूम में गिर गए थे, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बेचारे सांस भी ना ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा। क्या, ये कब हुआ और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा जी धीरे बोलिए, थाली वासूल करना, बाबा टेंशन में भी तबीयत और खराब कर रही है। ओह, तो अब इसका ब्लेम भी तो मुझ पर डालना चाहती हो? अमर जी, थैली सूप लेकर जाओ और किसी को बता देना ध्यान की बात। बोले गैस बंद कर दो। बताना मत, मतलब मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बताने के लायक नहीं है? थोड़ा शांत हो जाओ, हमारा वो मतलब ना था आयशा जी। तो तुम्हारा क्या मतलब था फालतू घर में इतना? तो तुम्हारा क्या मतलब था फालतू घर में इतना सब कुछ हो गया है और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं? तुम तो अकेले ही सबका अच्छा करके भगवान बनना चाहती थी ना, जैसे तुम हमेशा करती आ रही हो। आयशा जी, तुम क्या बोल रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करूं? तुम ऐसा ही करती हो फालतू हमेशा। जिस समय मेरे परिवार का ध्यान मुझ पर और मेरे बच्चे पर होना चाहिए था, सबको मेरी और मेरे बच्चे का टेक केयर करना चाहिए था, उस समय सब घर में फालतू फालतू करते फिर रहे, और वो भी उस समय जब सारे फसाद की जड़ तुम। आयशा जी, थे भी बहुत गुस्से में, इस बारे में बात करें। हाँ हूँ मैं गुस्से में, और मेरे गुस्से की वजह तुम हो फालतू। मैंने तुम्हें मेरे बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा दिया और तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मेरे बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा दिया और बदले में तुमने क्या किया? मेरे बच्चे के सर से छत छीनना चाहती हूँ। इनफैक्ट तुमने तो किंचुक को भी मेरे अगेंस्ट कर दिया। तनिषा सही बोलती थी, तुम ना बहुत सेल्फिश हो फालतू, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। बस करो आयशा जी, थे की बोल रही हो, तनिषा जी का साथ कैसे दे सकती हो जानते हुए कि आज सारे बच्चे के सर से छत उनकी वजह से छिन रही। उनकी वजह से ही घर नीलाम हो रहा है, बिजनेस बिक रहा है, पांच साल जेल में। मैं तनिषा को सही नहीं बोल रही हूँ फालतू, उसने जो कुछ भी किया है उसकी माफी नहीं है। लेकिन आज तुम भी तो सोचो,
तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। प्लीज बात मान जाओ, मेरे बच्चे के भविष्य के साथ मत खेलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसको तुम सही कर सकती हो। प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, ये सब मत करो और जैसा तनीषा बोल रही है वैसा मान जाओ। इस घर को छोड़कर चले जाओ फालतू। प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज ऐशा जी, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मत बोल। तो तुम नहीं मानोगी ना, तुम्हारा ईगो इस घर से बड़ा हो गया है। आयशा जी कैसी बातें कर रही हो, हमारे को भी इस परिवार की फिक्र है। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, चाहे प्लीज ना फालतू तुम हमेशा ही ऐसा बोलते हो। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने ना गलती कर दी तुम पर विश्वास करके, तुम्हारा सपोर्ट करके, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सपोर्ट के काबिल थी ही नहीं। शो का अपकमिंग ट्रैक काफी धमाकेदार एंड ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आयशा और फालतू में किस बात पर झड़प होती है और फालतू अपने और आयशा के रिश्ते को कैसे सुधारती है। वेल, ऐसे टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस पर कुछ अपनी राय देनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं।